अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो नॉवल डिस्कस करें, दैट इज हाउ टू गेट फिल द रिच इन राइजिंग एशिया, जिसको मोहसिन हाबर ने लिखा है। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 4 चैप्टर्स ऑफ दिस नॉवल। हम लोगों ने 4 चैप्टर्स डिस्कस कर लिए थे। लास्ट था अवॉइड आइडलिज्म। आज चैप्टर 5 है हमारा, जिसमें हम लर्न फ्रॉम अ मास्टर डिस्कस करेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि मैं जस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को इसमें डिस्कस करूं, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, और जितना शॉर्ट कर सकते हैं उतने लेक्चर को शॉर्ट करके आपको नरेशन कर दूं। एनी हाउ, हम देखते हैं कि जब ये बुक शुरू होती है, ये चैप्टर शुरू होता है, तो यहाँ पे नरेटर जो है सेल्फ अवेयरनेस के कॉन्सेप्ट की बात करता है। और कोटेशन है, टू बी इफेक्टिव अ सेल्फ हेल्प बुक रिक्वायर्स टू थिंग्स। First, the help it suggests should be helpful, obviously. And second, without which the first is impossible. The self it's trying to help should have some idea of what help is needed. Yani ye quotation hai, is quotation ke through jo self help book hai, us self help book ke bare mein wo batate hain ki self help books ko do cheeze required hoti hain, एक हेल्पफुल एडवाइस और दूसरा है सेल्फ अवेयरनेस ऑफ व्हाट हेल्प इज नीडेड, कि आपको किस किस्म की हेल्प चाहिए। ये चीजें सेल्फ हेल्प बुक हम लोगों ने तब भी डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, एक ऐसा जेनरा होता है जिसमें आपकी अपनी सेल्फ, आपकी अपनी ग्रूमिंग, अपनी ग्रोथ, ठीक है, आपने क्या सीखना है, कैसे आगे चलना है, ठीक है, लाइफ की कितने फेजेज है, उन फेजेज में क्या आपका रोल होना चाहिए, उनके अंदर आपकी हेल्प करती है, ठीक है, इसको कहते हैं सेल्फ हेल्प बुक। और यहां पर उन्होंने ये कहा कि इसकी दो चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं, एक क्या एडवाइस, हेल्पफुल एडवाइस, और दूसरा क्या आपको जो हेल्प है वो किस पर्पस के लिए चाहिए। इस कोटेशन के थ्रू राइटर ने ये नरेट किया, एंड देन ये फर्दर अपनी जो नेसेसिटी है थर्ड पार्टी की गाइडेंस, उनके बारे में बात करते हैं कि जो थर्ड पार्टी की गाइडेंस है वो आपको जरूरत पड़ती है उसकी, कि कोई भी आपकी लाइफ की फेज है, आपने अपनी लाइफ को गुजारना है, जिंदगी गुजारना है, तो उसमें आपको थर्ड पर्सन की, एक मेंटोर की जरूरत पड़ती है, तभी तो चैप्टर का नाम है लर्न फ्रॉम अ मास्टर। तो यहाँ पे जो थर्ड पर्सन हमारा होगा वो एक मास्टर होगा, और राइटर कहते हैं कि मास्टर से सीख के आप जो हो अपनी सेल्फ अवेयरनेस को जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हो और अपने आप को एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हो। क्लियर। और इसमें अगेन वो एक बुक में कोटेशन कोट करते हैं, दैट इज यू हैव नाउ स्पेंड द लास्ट फ्यू इयर्स टेकिंग द फाइनल स्टेप्स टुवर्ड्स बिकमिंग फिल्दी रिच लर्निंग फ्रॉम अ मास्टर। ठीक है, यानी कि आपने काफी स्टेप्स ऑलरेडी गुजार ली हैं फिल्दी रिच बनने के लिए। हम लोगों ने पीछे 4 स्टेप्स पढ़े थे, दिस वन इज 5 स्टेप। अब कहते हैं लर्निंग फ्रॉम अ मास्टर, ये हमारा अब नेक्स्ट स्टेप है जिसमें हमें बड़ी हेल्प मिलेगी कि हम मास्टर से सीख के कैसे अपने आप को ग्रूम कर सके। अब यहाँ पे बताता है जो हमारा नरेटर है, उसने ये देखा कि एक मास्टर जिसके पास वो काम कर रहा है, एक मिडिल एज मैन है जो कि फलों खानों का काम करता है, ठीक है, कोई भी खाने जो एक्सपायर हो चुके हुए हैं उनकी एक्सपायरी डेट चेंज करके उसको रीपैक करता है। और यहां पे इस पर्सन की जो ड्यूटी थी वो थी सेल्समैन की, चीजों को बेचना। अब काम क्या था, जैसे कि हमने देखा कि मास्टर एक्सपायर्ड फूड को, उनकी जो डेट्स है उनको चेंज करके, उसकी रीपैकिंग करके जो वेंडर्स होते हैं, सब जो चीजें बेचने वाले होते हैं, रेडी वाले होते हैं, उनको वो फूड्स देता है, उनको वो सप्लाई करता है, ठीक है, उनको वो बेचता है, आगे से वो आगे लोगों को बेचते हैं, ठीक। तो ये काम था मास्टर का, और उसके लिए ये काम यानी कि उन प्रोडक्ट्स को सेल करने का काम नरेटर करता है। तो नरेटर इज गुड एट सेलिंग दिस फूड फॉर हिम, उसके लिए जो खुराक है ये बेचने के लिए बड़ी हेल्पफुल प्रूफ होता है नरेटर। एक दिन मास्टर और नरेटर इकट्ठे सफर कर रहे थे, कार में बैठे हुए थे, तो मास्टर नरेटर को बताता है कोई एक और सेल्समैन को जानता है जो कि चोरी करता है, या तो वो तुम्हारा कुलीग है,
कहता है वो मुझसे चोरी कर रहा है, मेरा सामान चोरी कर रहा है, मुझे पता, और एक दिन वो आदमी जो है ना डिसअपेयर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब नरेटर जो है वो ये बात तो सुन लेता है, लेकिन जब चैप्टर एंड हो रहा होता है तो वो चैप्टर के एंडिंग में जाके जो मास्टर है उससे जो चीजें स्टीलिंग कर रहा है, उस स्टीलर को, उस चोर को, उस थिफ को ढूंढने की कोशिश करेगा, ठीक है, सख्त मेहनत करेगा। एनी हाउ इस गपशप के बाद जो नरेटर है वो एक पार्टी में जाता है। एक रात को एक फैशन शो पार्टी होती है, इसका एक फॉर्मर, इसका एक पुराना स्कूलमेट होता है, उसके साथ ना एक पार्टी पे जाता है। वो स्कूलमेट इसको ना इसकी अपनी एक व्हाइट शर्ट और एक बो टाई देता है पहनने के लिए। ये वो व्हाइट शर्ट और बो टाई लगा के उस पार्टी पे चला जाता है। जब वहां पे जाता है तो ये वहां पे एक वेटर का रोल प्ले कर रहा होता है, मतलब वेटर का काम कर रहा होता है फैशन शो के अंदर। अब वहां पे इसको एक फेमस मॉडल, शी द प्रिटी लेडी, द प्रिटी गर्ल नजर आती है। वही गर्ल जिसको हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में भी देखा था कि इसको उससे मोहब्बत हो गई थी। एनी हाउ इसको वो लड़की यहाँ पे पार्टी पे फैशन शो पे मिलती है, वो इसको पहचान लेती है और ये दोनों फिर आपस में गपशप शुरू करते हैं, बातें शुरू करते हैं। और प्रिटी गर्ल अब एक बहुत बड़ी मॉडल बन चुकी हुई है, ठीक है, एक फेमस मॉडल। एनी हाउ तो जो प्रिटी गर्ल है जब इस लड़के को देखती है, नरेटर को देखती है, तो भाग के उसके पास जाती है और गले लगाती है और कहती है, इज दैट यू, क्या ये तुम हो? अब लड़का खुद अपने लेट ट्वेंटीज में होता है, यानी कि इतना टाइम गुजर गया, स्टिल शी रिकॉग्नाइजेस हिम, उसने इसको अभी तक पहचान लिया, हालांकि अपनी ट्वेंटीज में है वो, तब कहां थे, सब छोटे छोटे बच्चे थे ये। अब मॉडल जो थी लड़की ठहरी अमीर तरीन, लड़का ठहरा गरीब, ठीक है। अब इनके सोशल स्टेटस का गैप था, अब लेकिन ये अब कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अब बातें शातें कर रहे हैं एक दूसरे से, इनके सोशल स्टेटस के गैप की वजह से पीपल आर नोटिसिंग देम, लोग इनको नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। एनी हाउ ये इसको कहते कि तुम मेरा पीछा करो, और उसको अपने साथ ले जाती है बाहर, और फिर दोनों बातें करते हैं, और फिर वो उससे पूछती है, तुम अभी भी मूवीज देखते हो? क्योंकि दोनों छोटे होते इकट्ठे मूवीज देखा करते थे, और मोस्टली लड़की बहुत ज्यादा लड़का बहुत ज्यादा मूवीज देखा करता था, सेल किया करता था देखने के बाद वो ये सीरीज, अगर आपको पिछले स्टोरीज याद हो तो। एनी हाउ तो शी आस्क इफ ही स्टिल वॉच्स मूवीज, तो वो कहता है कि नहीं कोई खास नहीं। एनी हाउ लड़की उसको ये भी बताती है कि उसने अभी तक कोई शादी नहीं की, क्योंकि उसको उसके टाइप का आदमी नहीं मिला। वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। लड़का यहाँ पे कहता है मैं जो हूँ फ्यूचर में बहुत रिच होने वाला हूँ, मैं फ्यूचर में एक अमीरतरीन आदमी बन जाऊंगा और फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। लड़की जो है लड़के को अपना नंबर देती है, न्यू फोन नंबर, कि वो इस पे बातचीत कर लेंगे आपस में। लेकिन जब लड़की वापस जाती है पार्टी की तरफ, तो वो काइंड ऑफ अनसेटल्ड फील कर रही होती है। क्यों? क्योंकि उससे इस लड़के से मिलना इसका अपना पास्ट याद करवा देता है, ये नॉस्टैल्जिक हो जाती है, अपने पास्ट को रिकॉल करने लग पड़ती है, और अपने पास्ट को याद करके ये बहुत डिस्टर्ब्ड फील कर रही होती है। जैसे कि यहाँ पे कोटेशन है, समवट अंडरमाइंड बाय योर एनकाउंटर यू आर लाइक अ लिविंग मेमोरी एंड शी हु इज implicably resistant to remembering is unsettled by you. अब यहाँ पे बेसिकली जो लड़की है उससे मिलने के बाद उस पास जिस पास से वो escape कर रही थी उसको recalled कर बैठती है, और वो चीज उसको disturb कर रही होती है। Anyhow फिर जब पार्टी ओवर होती है, लड़का उसको फोन करता है, लड़की पहले उसको आंसर नहीं देती, फोन नहीं उसका उठाती, क्योंकि वो डिस्टर्ब्ड फील कर रही थी। बट लेटर ऑन कुछ वीक्स गुजरते हैं तो ये उसकी कॉल उठा लेती है, और ये खुद भी उसको कॉल्स करती है, और ये दोनों आपस में मूवीज के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। एंड देन जब चैप्टर एंड हो रहा होता है, उस टाइम पे नरेटर जो है
उसको उस सेल्समैन का पता लग जाता जो चोरी करता था सामान इसके मास्टर का, ठीक है, तो उसको रंगे हाथों पकड़ लेता है, ठीक है, वो पकड़ा गया। और इवन दो वो चोरी करते पकड़ा गया लेकिन वो वहां से भाग गया और देन डिसअपीयर्ड, वो गायब हो गया। और एट द एंड ऑफ द चैप्टर ये वापस जाता है अपने उस घर में जिस घर में इसके फादर भी इसके साथ रह रहे होते हैं। एनी हाउ इसकी जो मदर थी उसकी डेथ हो चुकी हुई है और इसके फादर इस टाइम बहुत बीमार और हार्ट ब्रोकन, यानी कि दिल टूट चुका हो इसके बाप का, और इस तरह से अपनी लाइफ गुजार रहा है। बट हमने अब यहां पर क्या देखा है कि एक तो सेल्समैन वाला पॉइंट कि जो चोरी कर रहा था सेल्समैन वो भाग गया तो उसकी रिप्लेसमेंट पे एक कोई पर्सन ढूंढ रहा है। दूसरा हमने देखा इसके फादर का पॉइंट कि फैमिली जो है अभी तक बहुत ज्यादा लॉस में है, ग्रीफ में है, मदर की भी डेथ हो चुकी है, ट्रेजेडी चल रही है। एक पॉइंट देखा इसको इसकी शी द प्रिटी गर्ल नजर आ गई थी, उससे इसकी मुलाकात हुई, उसका एनकाउंटर। दूसरा लर्न फॉर द मास्टर, ये मास्टर से टेक्निक सीख रहा है कि कैसे जो ओल्ड प्राइजेस हैं और जो ओल्ड डेट्स हैं वो एक्सपायर हो चुकी हुई है उनको चेंज करके, रिप्लेस करके, उनके पैकेजिंग चेंज करके कैसे उनको सेल किया जाता है। तो इसने उससे सेलिंग की टेक्निक सीखी, ठीक है। तो चोरी भी यहाँ पे दिखाई गई कि चोरी कर रहा है एक सेल्समैन, उसको पकड़ने की कोशिश है। दूसरा वो मास्टर भी कौन सा खुद एक जो है अच्छा टास्क परफॉर्म कर रहा था, वो खुद भी एक इवल एक्ट ही कमिट कर रहा था जिसमें उसने किया क्या कि टेट्स को चेंज कर दिया, जो कि अगेन एक इलीगल प्रैक्टिस है। तो यहां पर हमारा चैप्टर जो है वो एंड हुआ, विच इज चैप्टर नंबर 5 लर्न फ्रॉम अ मास्टर। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा इस मास्टर से सीखा क्या, कि ये भी एक टेक्निक सीखी चीजों की डेट ही बदल दो, ठीक है, और एक इलीगल प्रैक्टिस ही है ये भी, इससे भी आप अमीर हो सकते हो। तो यहाँ पे चैप्टर एंड हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।